द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सुदर्शन न्यूज चैनल के विवादित शो UPSC जिहाद के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये बेहद घातक है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शो के प्रसारण पर स्टे लगाई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इसे चलाने की मंजूरी दे दी थी। तो ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? दरअसल 25 अगस्त को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ सुरेश चवानके के शो बिंदास बोल की एक झलक थी। इस शो को 28 अगस्त को प्रसारित किया जाना था। ट्वीट करते हुए सुरेश चवानके ने लिखा था कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश, #UPSC जिहाद, #नौकरशाही जिहाद, #सावधान। इसके बाद देश के IAS IPS अधिकारियों ने इसकी कड़ी आलोचना की और कईयों ने इस पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की। कई मीडिया घरानों ने इसे गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता भी ठहराया। उसके बाद इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी इसका विरोध करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के IAS और IPS बनने के बारे में एक हेट स्टोरी है। अपील की गई कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, UP पुलिस और संबंधित सरकारी संस्थाएं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सुरेश चवानके ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया और कहा कि वो जामिया के जिहादी हैं, जिसके बाद जामिया के शिक्षक संगठन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कहा कि इसे लेकर अवमानना का केस दायर किया जाना चाहिए। मामला अदालत पहुंचा भी। जामिया के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज नवीन चावला ने इस कार्यक्रम के प्रसारण के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। 28 अगस्त को सोशल मीडिया पर कोर्ट के आदेश की कॉपी धड़ाधड़ शेयर की जा रही थी, लेकिन शाम होते होते सुरेश चवानके ने एक और ट्वीट दागा। उन्होंने लिखा कि मेरे पास आदेश की कॉपी नहीं है और मैं अपना शो निर्धारित समय पर ही करूंगा। 8 बजे शो तो हुआ, लेकिन इसमें चवानके की टोन जरा बदली हुई थी। वो हाईकोर्ट के आदेश की पालना की बात कर रहे थे। जब शो शुरू हुआ तो उन्होंने घोषणा की कि वो सावरकर के भक्त हैं। उसके बाद उन्होंने अपने शो में लोगों को फ़ोन कॉल्स के जरिए लाइव जोड़ा, जिसमें कई लोगों ने गालियां दी। पूरे शो में घुसपैठ, गद्दारी, लूट और इस्लामिस्ट कॉन्स्पिरेसी जैसे शब्दों की भरमार रही। अपने शो के दौरान उन्होंने अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र जैसी बातें दोहराई और कहा कि उनके पास अपने दावों की पुष्टि के लिए 2 रिक्शा दस्तावेज भरे हुए हैं। खैर, उसके बाद सरकार ने 10 सितंबर को चैनल को ये कार्यक्रम प्रसारित करने की इजाज़त दे दी। इससे पहले जब हाईकोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें सुदर्शन न्यूज़ चैनल के इस प्रोग्राम के खिलाफ काफ़ी शिकायतें मिली हैं और उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी कर इसका जवाब भी मांगा है। 10 सितंबर को मंत्रालय ने अपने आदेश में लिखा था कि 31 अगस्त को ही सुरेश चवानके ने आधिकारिक तौर पर अपना जवाब दे दिया था। उसके बाद ही मंत्रालय ने ये फैसला किया था कि अगर शो में किए गए दावे किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन करते हैं तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या टिप्पणी की है? इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने की है, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की है और उनके अलावा इस बेंच में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ भी शामिल हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, एक एंकर आकर कहता है कि एक विशेष समुदाय UPSC में घुसपैठ कर रहा है, क्या इससे ज़्यादा घातक कोई बात हो सकती है? ऐसे आरोपों से देश की स्थिरता पर असर पड़ता है और UPSC परीक्षाओं की क्रेडिबिलिटी पर लांछन लगता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल देश को नुकसान पहुंचा रहा है और ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि भारत विविधताओं से मिलकर बना है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल को अपनी स्वतंत्रता को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस पूरे शो में क्या झूठे दावे किए गए थे? सुरेश चवानके ने दावा किया कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का जो स्वरूप है और जो काम करने का तरीका है, उसे ऐसे बनाया गया है ताकि मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। जैसे शो में कहा गया कि UPSC में हिंदुओं को सिर्फ 6 बार अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है, तो मुस्लिमों को ये मौका 9 बार दिया जाता है, लेकिन इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 6 बार अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाता है, लेकिन पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को ये मौका 9 बार दिया जाता है। हर साल UPSC जो नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें अटेम्प्ट करने के मौक़ों को लेकर धर्म से जोड़कर कोई भी बात नहीं लिखी जाती है। ये दावा भी किया गया कि हिंदुओं के लिए अधिकतम उम्र 32 साल है, तो मुसलमानों के लिए 35 साल।
लेकिन सच्चाई ये है कि यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है और अधिकतम उम्र 32 साल है। लेकिन इसमें एससी एसटी ओबीसी और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनको छूट दी गई है। जैसे एससी एसटी के लिए उम्र है 37 साल, ओबीसी के लिए है 35 साल और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उसके लिए 42 साल। यहाँ भी धर्म को लेकर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद दावा किया गया कि यूपीएससी में इस्लामिक स्टडीज़ के तौर पर एक विषय का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वैदिक या फिर हिंदू स्टडीज़ जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये दावा भी झूठा है। हाँ, यूपीएससी में उर्दू लिटरेचर से जुड़े सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं साल 2006 में आई सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के कम रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक रिपोर्ट के बारे में। नाम था सच्चर कमेटी। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक उस समय आईएएस में 3%, आईएफएस में 1.8% और आईपीएस में 4% अधिकारी ही मुस्लिम समुदाय के थे, जबकि उस वक्त मुस्लिम समुदाय की आबादी देश की आबादी की 13.4% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी। तो यूपीएससी में मुसलमानों की जो सफलता दर है वो बेहद कम रही है। इस साल भी सिविल सर्विसेज के नतीजों में कुल 829 उम्मीदवारों में से केवल 42 ही मुस्लिम समुदाय से चुने गए हैं, यानी कि चुने गए उम्मीदवारों का केवल 5% हिस्सा, जबकि देश की आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या 15% है। पिछले कुछ सालों के रिजल्ट पर भी गौर करते हैं। इससे पहले साल 2018 में 28 मुस्लिम कैंडिडेट चयनित हुए थे, साल 2012 में 30, 2013 में 34, 2015 में 36, 2016 में 50 और 2017 में 50 मुसलमान उम्मीदवार ही चयनित हुए थे। चव्हाणके ने ये दावा भी किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपीएससी के लिए 5 कोचिंग सेंटर स्थापित किए थे, जिनमें से 4 को मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में ही स्थापित किया गया। चव्हाणके ने ये भी पूछा कि ये जो कोचिंग सेंटर हैं वो मुंबई विश्वविद्यालय या फिर चेन्नई विश्वविद्यालय में क्यों नहीं शुरू किए गए। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश ने दिप्रिंट को बताया था कि उस वक्त ये महसूस किया गया था कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लोगों को सिविल सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, इसलिए 5 विश्वविद्यालयों में कोचिंग सेंटर शुरू किए गए थे जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के लिए सिविल सर्विसेज के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग उपलब्ध कराएंगे। तो अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब सिर्फ मुसलमान होना नहीं है। और जिन 5 सेंटरों की बात की गई है वो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। खैर, अब तक इस शो के 4 एपिसोड पहले से ही टेलीकास्ट किए जा चुके हैं। अभी चैनल के मुताबिक 10 एपिसोड बाकी हैं, तो अगली सुनवाई इस केस की 17 सितंबर को होनी है। तब तक इस शो का कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।